अपना मोस्ट रीसेंट अवेटेड चैप्टर 1064 के स्पॉयलर्स या फिर एक चैप्टर का पूरा रिव्यू बोल सकते हो लेके आ चुका हूँ मैं। इस चैप्टर में अपन को देखने को मिला ब्लैक विडो से लॉ की फाइट कंटिन्यू रहेगी और कुछ ऐसी चीज है जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि डॉक्टर वेगा पंक के बारे में इस चैप्टर में बहुत ही ज्यादा राज खुलने वाले हैं उसके बारे में और उसको पहले से ही मालूम है कि वो मरने वाला है। इस ये सब के बारे में अपन बात करेंगे। तो चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट कर देना अगर चैप्टर कैसा लगा हो या फिर कोई थ्योरी तुम्हारे मन में उसको चैप्टर को लेके तो कमेंट बता देना, नोटिफिकेशन ऑल पर कर देना ताकि आने वाले हर या फिर अगले स्पॉयलर्स या फिर अगली थ्योरी की वीडियो तुम तक से पहले पहुंच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो जो अपने चैप्टर का नाम होने वाला है वो होने वाला है एग एड लैब पेस। तो सबसे पहले अपन को चैप्टर के कवर पेज पे देखने को मिल जाएगा कि जो कुजान और आओ या फिर अपना आओ की जी बोल सकते हो तो उसने और अपना वैन ऑगर है जो उनका स्नाइपर उस दोनों ने मिलकर पोडिंग को किडनैप कर लिया है अपने होल के आइलैंड से। और उसके बाद अपन को देखने को मिल जाता है कि पोडिंग उन लोगों से कहती है मतलब ब्लैक बियर्ड से वो लोग कॉन्टेक्ट करते हैं, ब्लैक बियर्ड की शिप के ऊपर पहुंच जाते हैं वो लोग क्योंकि उसको मतलब मालूम है अपन को वैन ऑगर अपने डबल फूड से किसी भी इंसान को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है। तो इस हिसाब से तो उसने सीधा अपने आउकी जी और पोडिंग दोनों को अपने शिप पे सीधा उसने टेलीपोर्ट करा। उसके बाद वो लोग ब्लैक बियर्ड से बात करते हैं तो ब्लैक बियर्ड मतलब उनसे बात करो तो तभी उनसे पोडिंग बोलती है कि अगर मम्मा मतलब बिग मॉम अगर अभी तक अभी अलाइव होगी तो वो लोग ऐसे हंस नहीं पाएंगे या फिर उससे कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो वो बोल रहा होता है कि ब्लैक बियर्ड पोडिंग से कि जिसने तुम्हारी बिग मॉम को मारा अभी हम उससे लड़ रहे हैं उसको मारने वाले हैं ऐसा वो बोलता है। तो अगर वो फिर बोलता है कि अगर ये सब बूढ़े लोग अगर बूढ़े लेजेंड अगर जिंदा रहेंगे तो हम नए लोग कहां जाएंगे। उसके बाद अपन को जो अपना मिडिल ऑफ चैप्टर उसमें पता पड़ जाता है कि ब्लैक बियर्ड और लॉ की वॉर आगे चल रही होती है। लॉ अपना एम्प्यूटेट जो उसका मूव है वो इस्तेमाल करता है ब्लैक बियर्ड से। और उसके बाद अपन को पता पड़ जाता है कि जो अपनी पोडिंग है वो पूरा मतलब हॉस्टेज रहती है। उसके बाद अपन को ये कंफर्म नहीं होता है कि उसने अपनी थर्ड आई अवेक करी है कि नहीं क्योंकि अब वो सीधा अपन को जेल में दिखाई जाती है। उसके बाद अपन को एक और चीज पता पड़ जाती है इसको सुन के तो बहुत लोग चौंक हो गए कि ब्लैक बियर्ड के क्रू से लॉ का क्रू लड़ रहा है। हां तुम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा ना, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि लॉ के क्रू को ब्लैक बियर्ड के क्रू से लड़ना। उस वक्त ब्लैक बियर्ड अपने कोई एक अटैक को इस्तेमाल करता है जिसका नाम होता है क्वैक अटैक मतलब क्वैक ग्रैस अटैक। उसके बाद वो सरप्राइज हो जाता है कि लॉ की पावर अवेक हो जाए मतलब अवेकनिंग देख के लॉ की पावर की। लॉ अपनी सारी बहुत सारी अवेकनिंग की मतलब अटैक करता है उस पर इंक्लूडिंग शॉक वाइल इससे मतलब पूरे मतलब एक ग्राउंड टाइप में शॉक फैल जाता है, उन सबको शॉक लगने लगता है। लोग ब्लैक बियर्ड से पूछते हैं कि हम अपने शिप पे लौट सकते हैं। ब्लैक बियर्ड मतलब बोलता है तुम लोग पागल हो गया, सीधा स्ट्रेट भागो स्ट्रेट मतलब रुको नहीं, यही एक अपने पास रास्ता है स्ट्रेट जाओ। उसके बाद अपन को दिखाया जाता है कि जो उनका डॉन क्यू है मतलब हाँ वही बीमार आत्मा वो अपने बॉम्ब मतलब एप्पल बॉम्ब का इस्तेमाल करता है उन लोगों पे फेंकता है एप्पल बॉम्ब। वो इसे रोक दिए जाते हैं जो अपना लॉ के क्रू के द्वारा मतलब लॉ के क्रू में एक मेंबर है साहची, तुम में से बहुत से लोग जानते होंगे, मैं इमेज भी डाल दूंगा देख लेना। उसके द्वारा रोक दिया जाता है। उसके बाद अपन को आखिरी चीज उन लोगों की फाइट से देखने को मिलती है, अपन को देखने को मिलती है कि जो अपना ब्लैक बियर्ड है वो अपना ब्लैक होल अटैक मतलब ब्लैक वोर्टेक्स अटैक का इस्तेमाल करता है। चैप्टर सीधा पहुंच जाता है अपना बोनी के पास। अपन को देखते हैं कि बोनी को मतलब किसी चीज पर मतलब गुस्सा आ गया होता है, वो अपने गुस्से से सबको छोटा और बड़ा बना देती है। तो उससे अपन को पता पड़ता है तो जिम्बे को देखो बच्चा बना देती है वो और चॉपर को बूढ़ा बना देती है और लूफी को 70 साल का बना देती है। तो जितने भी लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे ना मतलब इमेज डालते रहते थे कि जिम्बे बचपन में कैसे लगेगा, चॉपर बूढ़ा कैसे लगेगा, लूफी बूढ़ा कैसे लगेगा, तो आने वाले चैप्टर में देखने को मिल जाएगा कि ये लोग बूढ़े और जवान कैसे लगेंगे। अपन को पता ही पड़ जाएगा कि जो अपना जिम्बे का सीराफिन्स होने वाला है वो कैसा दिखने वाला है क्योंकि बचपन की तरह जिम्बे जैसा होगा वैसा उसका सीराफिन दिखेगा। उसके बाद अपन को पता पड़ता है बोनी एक जो अपना बीम सेफर है उसको फाउंड करती है डॉक्टर वेगा पंक के बैक यार्ड में या स्क्रैप यार्ड बोल सकते हो मतलब जहाँ पे मतलब सारी उसकी चीजें फालतू खराब चीजें वो पड़ी रहती हैं। उसके बाद जो अपनी लीथिन थी मतलब जो अपनी दूसरी वेगा पंक थी ईविल वाली जिसने उन लोगों को स्ट्रॉइड को उठा लिया था उसके बाद पता पड़ता है कि वो लोग उसको मतलब लेके अंदर आ गई है डॉक्टर वेगा पंक की लैब के अंदर। तो उसमें बोलती है कि तुम लोग को कपड़े चेंज कर लेना चाहिए अंदर आने से पहले। तो सांझी हवाईयन वाली शर्ट पहन लेता है जैसे जिम में पहनी थी ना सेम वैसी सांझी शर्ट पहन लेता है। बाकी जितने भी स्ट्रॉइड के लोग हैं वो लोग मतलब फ्यूचर वाले कपड़े पहन लेते हैं। उसके बाद अपन को पता पड़ता है कि जो अपने जोरो हैं और ब्रुक हैं वो लोग अंदर नहीं जाते, वो शिप पे रहते हैं क्योंकि उनको अभी भी उस डॉक्टर वेगा पंक 02 पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा होता है। उसके बाद अपन को जो ऐसा चीज पता पड़ने वाली है जिसको सुन के तुम में से बहुत से लोग बोलोगे कि ये क्या था और ये हुआ कैसे, ये था क्या। तो देखो जो अपना सबसे पहला वेगा देखो अपन को मालूम है जो अपना सबसे पहला वेगा पंक है जिसने मतलब सारे वेगा पंक को क्रिएट करा उसका नाम शाका है, वो 01 वेगा पंक है। हाँ तो जो अपना मेन वेगा पंक है वो अपने रेवोल्यूशनरी ड्रैगन है मंकी डी ड्रैगन उससे बात कर रहा होता है कॉल पे, वो बोल रहा होता है कि मुझको मालूम है कि मैं जल्दी मरने वाला हूँ वर्ल्ड गवर्नमेंट के हाथों से। उसके बाद अपना चैप्टर खत्म हो जाता है, अपन को नहीं पता पड़ता है। तो इस चैप्टर में अपन को बहुत सारे सीक्रेट पता पड़े हैं, अगले चैप्टर में उससे भी ज्यादा सीक्रेट पता होने को मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को एक थम्स अप एक लाइक तो दे ही देना और नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना, कमेंट कर देना थ्योरी है वीडियो कैसी लगी, अपनी अपनी थ्योरी दे देना कमेंट में। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।